तो फ्रेंड आज एक स्कैम दिखाता हूँ ओक्टेफ का। मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ 2:45, बट इसी टाइम करंट स्कैम हुआ है ओक्टेफ, इसलिए मैंने सोचा अभी बना दें करंट वीडियो, बाद में ही अपलोड कर दूँगा। तो अभी रात के 2:45 हो रहे हैं और जो डेट हो रही है आज फ्राइडे लग गया है, 1 जुलाई हो गया फ्राइडे, यानी थर्सडे की रात है हिसाब से मान सकते हो। तो ये चीज़ें हैं और ये अकाउंट देख सकते हो रियल अकाउंट है। मैंने एक सिग्नल भी दिया था, देख लो उसके पहले एक सिग्नल थे वो भी लॉस गया था, और ये देखो एक लॉस गया, स्टॉप लॉस हिट करा दिया 18,400 ओक्टाफिक्स वालों ने। इसमें क्या लिखा है एसएल गैप, लेकिन देखा जाए ये टोटल स्कैम है। तो जो चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी रियलिटी नहीं बताऊँ, अगर वो स्कैम कर रहा है तो वो चीज़ें मैं रिवील करूँगा फ्रेंड। तो ये चीज़ें अब ये भी आज इसमें रियलिटी बताएं। अभी अदर ब्रोकर जो मैं इसीलिए मल्टीपल ब्रोकर यूज़ करता हूँ कि सिंगल पे नहीं रहता, रीज़न बताऊंगा। तो अब इसके चार्ट हम देखते हैं, जो कि इतना मार्केट आया भी नहीं एक्चुअल में। गोल्ड हम ओपन कर लेते हैं, अब एक बार देख लो ये रियल अकाउंट है, ये भी नहीं कि मैं कोई मतलब फेक, मैं रियल अकाउंट चलाता हूँ। तो यहाँ पे गोल्ड मैंने ओपन किया, देखो ये कितना बड़ा कैंडल फेक है लोग जनरेट करते हैं, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यानी डायरेक्ट 1807 से 1803 तक ला के ये लोग रख दिया और नीचे, यानी कोई बंदा ऐसे 1803 का लगाए तो भी उसका हिट करवा के लॉस करवा दिए लोग सबका, मतलब अच्छा खासा लॉस। जो कि ट्रेडिंग व्यू में चलो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, वहाँ भी मार्केट नहीं गई है यहाँ तक, यानी एक्चुअल रियल मार्केट यहाँ तक गई ही नहीं। तो एक टोटल साफ साफ स्कैम। तो एक बात बता दूँ, एक हिंट दे दूँ भाई, जितने भी ब्रोकर हैं इनको, ये सब ब्रोकर क्या है बी टाइप के ब्रोकर आते हैं। अब क्यों आते हैं उसका रीज़न, जो भी राइस स्प्रेड अकाउंट कोई, जितने ब्रोकर हैं अगर वो कोई भी ब्रोकर ऐसा है जो राइस स्प्रेड अकाउंट नहीं प्रोवाइड करता, उनको सिंपल सा आप ये मानना ही पड़ेगा कि वो बी टाइप ब्रोकर है, यानी वो स्कैम बीच बीच में ऐसे करते हैं एक ना एक काइंड ऑफ, आप समझ भी नहीं पाओगे। अगर मल्टीपल ब्रोकर आप नहीं चलाते आप जान भी नहीं पाओगे कि इसमें फेक कैंडल बनी है। तो मैं क्या मल्टीपल ब्रोकर चलाता हूँ तो पता चल जाता है, तो हमेशा कोशिश करें राइस स्प्रेड, जो भी ब्रोकर में राइस स्प्रेड अकाउंट होता है वो क्या ए टाइप ब्रोकर है, वो रियल एक्चुअल रियल मार्केट से चलते हैं यानी। और जो राइस स्प्रेड है ना तो उसका कोशिश करिए राइस स्प्रेड का ही अकाउंट चलाइए, इसीलिए मैं हमेशा सर्च करता हूँ, रिकमेंड मेरा अकाउंट है वो राइस स्प्रेड होता है, भले फंड थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट पर, तो एकदम एक्चुअल रियल मार्केट होता है, उसमें इस तरह स्कैम कैंडल वगैरह नहीं बनती। तो ये तो क्या है, ये तुम्हारा ओक्टाफिक्स का दिखा रहा है। अब चलो पहले एक्सनेट का भी दिखा देते हैं, एक्सएम का, कि भाई वहाँ भी तो स्कैम नहीं, एक्सएम में तो मुश्किल है क्योंकि राइस स्प्रेड अकाउंट है। राइस स्प्रेड क्या है, स्टैंडर्ड में भी स्कैम नहीं, मैं स्टैंडर्ड का अकाउंट पहले दिखा दूंगा, तो लेकिन तब भी मैं बोलूँगा राइस स्प्रेड ही अकाउंट करें, समझ रहे फ्रेंड। तो अब चलते हैं हम उसमें, और फ्रेंड ये क्या है एक्सएम के उसमें आ गए हूँ, ये देख सकते हैं एक्सएम का रियल अकाउंट है, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है फ्रेंड, स्टैंडर्ड अकाउंट है, इसमें गोल्ड, एक मिनट, ये स्टैंडर्ड अकाउंट ही हम लगा, ये एक्सडी किया, देखो इसमें आप देख लो इसी टाइम देख रहे हो एकदम एक्चुअल, जहां मार्केट देखा जाए 1807.310 पे है, और वही ओक्टाफिक्स में आपको दिखाया कहां पहुंचा है, और टाइम फ्रेम मैंने एक ही मिनट पे इसमें भी दिखा रहा हूं, 18:03 पहुँचा दिए, यानी 18:03 तक सबका अकाउंट वॉश आउट कर दिए हैं ये लोग, अगर जिसने बड़ा लॉट मारा, जिसने स्मॉल लॉट मारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये तो देखा जाए जो ए टाइप ब्रोकर हो तो इसमें स्कैम होने के चांस, बल्कि जो कि एक्सएम, अब एक्सएम को मैं दिखा देता हूँ, ये तो एक्सएनएस को हो गया, तो हमेशा कोशिश करें राइस स्प्रेड अकाउंट ज़रूर चलाएं। तो बाकी यही है कि अदर बी टाइप के ब्रोकर में अगर वर्क आप कर रहे हो तो कभी ना कभी ऐसे मार ही देते हैं बीच में, आप जान भी नहीं पाओ अगर कंपेयर नहीं करते तो। अब फ्रेंड ये क्या है एक्सएम ब्रोकर का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ अभी, जस्ट देख रहे हो एक्सएम का, ये एकदम रियल मार्केट, एक्सएम ने भी स्कैम नहीं किया इसी टाइम, अगर स्कैम करना वो भी कर लेता, अगर सब में सेम अगर गिरा होता मार्केट तो भाई ये होता कि चलो भाई मार्केट ही गिरे, लेकिन एक्चुअल में मार्केट 18,700 पे रुकी है और ये लोग मार के ये कर दिए। और यहाँ पे देख एक बार दिखा दूँ, ये एक्सएम का रियल अकाउंट है, सबका रियल अकाउंट दिखाऊँ। अब मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी देख लेता हूँ भाई, क्योंकि एक्चुअल मान लो चलो ये ब्रोकर में दिक्कत हो सकती है, बट क्या ट्रेडिंग व्यू आपको रॉन्ग या गलत नहीं बताएगा, समझ रहे फ्रेंड, तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू से कंपेयर कर लेते हैं। अब फ्रेंड ये मैं ट्रेडिंग व्यू का गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया, अब देख लो ये ट्रेडिंग व्यू से हमेशा कंपेयर, या तो आप कोई ब्रोकर एक ही ब्रोकर चला रहा बस, हमेशा ट्रेडिंग आपका कभी ऐसे एसएल हिट हो रहा है अकाउंट वासा हो रहा है तो क्या है ट्रेडिंग व्यू से आके कंपेयर कर ली करो, चेक कर ली, देखो एकदम एक्चुअल रेट क्या है 18,700 पे मार्केट क्लोज हुई 18,726, लेकिन ये कितना ज़्यादा मतलब देख रहे हो करके एसएल आउट कर दिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मेरा जो सजेशन जो रिकमेंड होता है हमेशा भाई वो क्या है राइस स्प्रेड ही अकाउंट ओपन करो। मैं हमेशा रिकमेंड ये भी करता हूँ कि मल्टीपल ब्रोकर यूज़ करें, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही ओक्टाफिक्स ऐसा करता, कभी कभी बीच बीच में बी टाइप के जितने ब्रोकर हैं जो राइस स्प्रेड नहीं यूज करते लगभग लगभग ज़्यादा चांसेज ये हैं कि वो मार ही देते हैं बीच में एक आध कैंडल, जब उनका चूना लगता होता ना तो यही मार देते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ें मैं बताई बस यही है,
बाकी ऐसा नहीं, मेरा देखा जाए पर्सनल बहुत ज़्यादा फंड है, मैं तो धीरे धीरे करके विदड्रॉ करके ज़्यादातर कोशिश करूँगा शिफ्ट होने का, तो मैं एक्सचेंज के राइस पेड अकाउंट में बड़ा अकाउंट करूँगा फ्रेंड। तो ये चीज़ें बतानी थी, क्योंकि देखो कोई भी ब्रोकर चाहे जो, चाहे एक्सचेंज हो चाहे जो, भाई एक बात हम बता दें हमेशा याद करना, कोई भी हमारा सगा नहीं है भाई। हाँ जब तक हमें विदड्रॉ दे रहे हैं तब तक हम भाई कर रहे हैं, नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे वीडियो में क्या वो चीज़ें मिलेगी, मैं अगर वो गलत करने हैं तो गलत चीज़ में बताऊंगा, अगर जब तक सही चल रहा है सही बताऊंगा। देखिए कोई स्कैम हुआ तो स्कैम में शेयर कर रहा हूँ, समझ मेरा यही बताने का मतलब है, अगर गलत कर रहा है तो गलत बताओ, अब ये नहीं कि उसको मैं हाइड कर दूँ, रियलिटी है जो कि मैं रियल अकाउंट, चलो मैं ये भी बता दूँ मैं ऑक्टा में बहुत बड़ा मेरा अकाउंट है, बट लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद तो मैं एकदम से वो हो गया, क्योंकि अब कोशिश करूँगा सारे पैसे विदड्रॉ कर भाई मूव करने वाला, मैं सारा एक्सचेंज पे है बट जितना फंड मैं ऑक्टा फेस रखा उतना किसी पे नहीं रखा हूँ, लेकिन ऑक्टा फेस सारे मूव करके मैं एक्सचेंज पे रखना चाहूँगा, और वो भी राइस पेड, और चाहे एक्सचेंज हो इन फ्यूचर, अभी तो सही चल रहा है बट इन फ्यूचर कभी ऐसी दिक्कत आती तो मेरे चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा भाई ये भी स्कैम कर रहा है या ये चीज़ें कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ अपने तरीके से। तो फ्रेंड यही चीज़ें बताना था, बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अच्छा लगे या ख़राब लगे शेयर जरूर करो, क्योंकि और लोग भी ये चीज़ें जानें, और कोशिश करो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाओ, और डायरेक्टली ये चीज़ें मैं तब भी बता दे रहा हूँ, मान लो अभी क्या है अगर ये वीडियो ऑक्टाफेस वाले अगर देख भी लेंगे ना तो दिक्कतें हो जाएंगी, बल्कि मेरे अकाउंट ब्लॉक भी कर देंगे, मेरा जो पैसा है वो भी मतलब हिसाब से ब्लॉक कर देंगे, मिलेगा भी नहीं सच बताऊँ तो। लेकिन उसके बाद भी मैं एज ए रिस्क लेके वीडियो में बना रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि जो रियलिटी है भाई वो बताना, भाई मेरे अकाउंट ब्लॉक करें कुछ भी वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता लोगों को भाई वो चीज़ें बताना जो हो रहा है जो ये लोग कर रहे हैं फिलहाल। तो वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो।